अगर आप अपने फोन पर फोन से किसी से बात करो, चाहे अपने बॉयफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो या आपके हस्बैंड हो या आपका कोई पर्सनल पार्टनर हो, और आप सीक्रेट बात अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये चीज़ किसी और को भी पता चल रही है, तो आपको अगर ऐसा शक होता है कि किसी और को पता चल रही है, तो आप अपने फ़ोन को चेक कर सकते हो। अपने डायल नंबर से आप चेक कर सकते हो कि आपका फ़ोन हैक तो नहीं हुआ है, या फिर आपकी कॉल जो है किसी अदर्स मेंबर के पास फॉरवर्ड तो नहीं हो रही, या कोई पर्सनल बात कोई तीसरा बंदा तो नहीं सुन रहा है। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हो, क्योंकि कॉल से वगैरह आप किसी से बात करते हैं तो ये भी हैक हो सकता है। एक्चुअली सिर्फ डायल नंबर डायल करने से ही ये चीज़ हैक हो जाती है, और ये एक्चुअली जो भी हम सामने वाले बंदे से बात करते हैं दोनों की बात जो है तीसरे बंदे को सुनाती है, और दूसरे तीसरे बंदे की जो बातें हैं अगर उधर से बोलता है तीसरा बंदा तो आपको सुनाई बिल्कुल नहीं देगा। इसको हैक बोलते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने इस चीज़ को हैक कर रखा है, या फिर आपके फ़ोन को हैक कर रखा है, कॉल को हैक कर रखा है, तो इसको इसके बारे में कैसे पता करें, एंड अगर ऐसा है तो इसको कैसे आप ठीक करोगे, पूरा सब कुछ जो है वीडियो में बताने वाला हूँ। वेल हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शीनू, और आज की वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ कि आप जो हैंक अगर आपका कॉल्स वगैरह हैक हो चुका है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो आपके लिए यूट्यूब से रिलेटिव, सेटिंग से रिलेटिव, एप्लीकेशन से रिलेटिव सारे वीडियो जो है आप लोगों के मिलाता रहता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करें, आपको अपने डायल नंबर में चले जाना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ वर्ड आपको यहाँ पर कीवर्ड जो है यहाँ पर टेप करना है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका चैनल आपका जो कॉल्स वगैरह हैक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पर स्टार हैज 62, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर हैज, ठीक है, ये नंबर आप याद रखना, स्टार है 62 हैज, ठीक है। और आपको जिस नंबर पे आपको डाउट है, इस नंबर से आपको दोनों सिम में, अगर दो सिम है तो दोनों सिम से आजमा लीजिए, एक सिम है तो एक सिम से आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने अपनी पहली सिम से यहाँ पर डायल किया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है कॉल फॉरवर्डिंग वॉइस नॉट फॉरवर्ड, मतलब मेरा जो कॉल्स है वो फॉरवर्ड नहीं किया गया है। अब मैं सेकेंड सिम से भी खुद सेकेंड सिम से आजमा लेता हूँ, ठीक है, आपके सामने यहाँ पर 62 है। अब मैं दूसरी सिम से भी आजमा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको पूरा डिटेल दिख जाएगा, वॉइस नॉट फॉरवर्ड, डाटा नॉट फॉरवर्ड, मैक्स नॉट फॉरवर्ड, एसएमएस नॉट फॉरवर्ड, मतलब किसी भी बंदे ने मेरे फ़ोन को, मेरे कॉल्स को हैक वगैरह नहीं किया है, ठीक है। अगर अब ये तो आप चेक हो गया, ठीक है, अगर ऑलरेडी अगर आपका कोई कॉलिंग्स वगैरह हैक होता तो वहाँ पर कॉल्स फॉरवर्ड, मतलब वॉइस फॉरवर्ड या कॉल फॉरवर्ड ऐसा लिखा, नॉट नहीं दिखाया जाता वहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर आपका हैक हो चुका है, कॉल्स वगैरह अगर कोई तीसरा बंदा भी सुन रहा है, उसको कैसे बंद करें वो मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। सो आपको करना क्या है, स्टार आपको सॉरी स्टार नहीं आपको यहाँ पर हैज डबल बार हैज करना है, और फिर यहाँ पर 002 फिर हैज, इस चीज़ को ध्यान रखना हैज 002 फिर हैज, फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कॉल फॉरवर्ड इंश्योरेंस फॉर सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। अगर आपका कोई भी हैक वगैरह किया है कॉल वगैरह, तो यहाँ पर इस तरह से जो ये है ये ठीक हो जाएगा, और कोई भी बंदा आपका कॉल्स जो है फॉर्मेट वगैरह हो रहा है वो नहीं सुन पाएगा। अब आप दूसरी सिम से कर लीजिए यही चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर इरेस्टर फॉर सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो अगर कॉल्स वगैरह आपका हैक ऑलरेडी तो वो ठीक हो जाएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पर कॉल सक्सेसफुल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से आप अपने कॉल्स वगैरह अगर जो हैक हुआ हो रखा है आपके, चाहे हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, किसी ने भी आपके कॉल्स वगैरह हैक कर रखा है, आप पे शक करता है बंदा और आपका कॉल हैक कर रखा है, तो आप इस तरह से ठीक कर सकते हो और इस तरह से पता कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़ यार।